रचना चाहनी है कि ऐसे कि मैं परमेश्वर के विच ऐसे कि मैं साथ में जाऊं है आई वांट टू शेयर द हाउ आई कम इन द लॉर्ड एंड हाउ आई कम टू नो द ट्रुथ एक्चुअली मेरी छोटी सिस्टर से जो काफी समय तो बीमार रहते थे Actually, I had one a younger sister at my home, and she was sick since many years. एक साल तो continue बीमार रही, and she was sick continued for 1 year. जो starting में भी छोटी बीमार थी, तो ऐसे doctor ने उनको काफी time तक उन्होंने 6 months तक लेके जाने रहे. And we been to many doctors, and we keep her there for at least 6 months in order that she will get healed. रिपोर्ट्स भी सारा कुछ करवाने से पर नॉर्मल सा नहीं है कुछ नहीं सी आंदा बट द रिपोर्ट्स व्हिच डॉक्टर्स वुड गिव दे वर ऑलवेज कमिंग नॉर्मल देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद दैट जब हमें टाइम बीत गया रहा था सारे नेबर्स से उन्होंने सानू दसया कि मैनू नहीं लगदा कि कोई डॉक्टर दी प्रॉब्लम है अगर डॉक्टर दी प्रॉब्लम हुंदी है सॉल्व हो जांदी सो एज द टाइम पास माई वन ऑफ माई नेबर शी सजेस्टेड दैट इट्स नॉट समथिंग व्हिच हैज टू डील विद द डॉक्टर्स और डिजीज और सिकनेस इट्स समथिंग सुपरनैचुरल ठीक है अभी कर लेंगे फिर जो उन्होंने सू दस पंडित को किसी को लै गए तो सू पता लगा कि कुछ किसी ने कुछ किया होचुअली सो शी टुक अस टू वन ऑफ द टीचर इन इंडिया लाइक दे आर लाइक सेंट्स इन आवर रिलीजन सो दे टुक अस देयर वी बीन टू दे कॉल देम पंडित सो वी बीन टू देम ते 6 महीने हो गए सी उन्हें कुछ भी नहीं सी खादा इवन पानी तक नहीं सी पीता ते असी काफी ज्यादा टेंशन विच हो गए असी फिर गए भी काफी मंदिर गुरुद्वारे फिर 6 महीने कंटिन्यू एवें जाते रहे फिर भी कोई फर्क नहीं पिया एंड फॉर एटलीस्ट फॉर 6 months वी वर कंटिन्यूअली गोइंग टू देम आस्किंग फॉर हेल्प एंड बट नथिंग विल हैपन नथिंग विल हेल्प आउट एंड बट दे कैन रिकॉग्नाइज दैट समथिंग इज रॉन्ग विद हर ते जदों एकदम ही मैनूं याद आया कि साडे रिलेटिव्स हैगे ओह चर्च विच जांदे आ एंड देन आई सडनली केम इनटू माय माइंड दैट वन ऑफ आवर रिलेटिव ही ओर शी गोस टू द चर्च ते मैं उन्होंने फोन किया कि एवं करके सिस्टर मेरी है तो बीमार उन्होंने फोन के उत्ते ही प्रार्थना की उन्होंने लिए ते और क्लियर ही हो गया कि सचमुच कोई डर की प्रॉब्लम्स थी उन्होंने एंड व्हेन आई कॉल हर एंड आई टोल्ड अबाउट माय सिचुएशन सो दे रिकॉग्नाइज दैट इट इज समथिंग स्पिरिचुअल दैट दे शी हैज सम इविल स्पिरिट एंड देन शी प्रेड ऑन द फोन और असी जिथे तक उन्होंने देखा सी एकदम वो डेड सी एक चीज सी स्पिरिट सी जिहड़ी उन्होंने शायद रखा हुआ सी क्योंकि हैगा कि सू लगता कि कुछ खा भी नहीं गई तो खुद सोचो कि तुम हफ्ता 10 दिन ना खाओ तो सिचुएशन कहो जी होगी उन्हें 6 महीने तो नहीं कुछ खाता एंड फॉर एटलीस्ट फॉर 6 months शी वाजंट हैविंग शी वाज नॉट हैविंग एनीथिंग एज फूड नथिंग नथिंग एंड यू कैन इमेजिन दैट इफ वी डोंट ईट फॉर 1 डे व्हाट वुड हैपन टू अस सो इट वाज मेरली 6 months दैट शी डिडंट टेक एनीथिंग बट दे फाइंड आउट दैट इट वाज समथिंग इविल स्पिरिट ऑन हर एंड दैट स्पिरिट वी बिलीव दैट इट वाज द स्पिरिट दैट वाज कीपिंग हर अलाइव इन द बॉडी समहाउ But although the body was dead, ते असी फोन ते प्रेयर की थी और चीज नो से होया भी ओपन हो गया कि हाँ सच मुच आते उन्होंने सानू कहा कि तुसी इनु चर्च लेके आओ जो नेक्स्ट डे संडे ही थीगा ते असी इनु चर्च विच लेके गए ते तुसी देखो कि मैं तो भी ज्यादा पतली हां ते ओ इतना ज्यादा हैवी सीगा वेट हो गया कि हम 7 जने चक के लेके गए चर्च के अंदर दा ते असी काफी ज्यादा हैरान सी कि ये किवें हो सकदा कि जे मैं ही चक के लै जाऊं तो 7 बंदे चक के लेके गए और जो उन्होंने प्रार्थना की थी तो काफी ज्यादा होया भी चीज बोली भी सब कुछ होया ते पर आज वो बिल्कुल आजाद है उस चीज तो ते मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रही हूं उन्हें क्या भी चीज ने बोलिया भी मैनू रहन दो क्योंकि मैं घर बना चुकी हूं क्योंकि बाइबल के विच भी लिखा कि किते ना किते कि शैतान अपना जगह बना लेंदी है तो 7 आत्मावां होर लेके आंदी है पर नहीं परमेश्वर का वचन एक थान लिखा कि शरीर मेरा है कला ये शरीर मेरा घर है ते असी विश्वास किया कि सचमुच परमेश्वर की है कला फिर शैतान असी क्यों जगह देगी ते असी गए हां जदों ते सच नु जाणिया ते सच ने सानू आजाद कीता परमेश्वर दा वचन ओह कदे नहीं टलदा ते ओने साडे जीवन दे विच उस वचन नु पूरा कीता मैं परमेश्वर दा धन्यवाद करदी हां हालेलुया एंड आई वुड शेयर दैट इफ यू वुड सी हर शी इज मोर फीबल देन मी इन वेट लाइक शी इज वेरी लाइटर इवन आई कैन होल्ड हर बट दैट टाइम व्हेन द नेक्स्ट डे वाज संडे सो वी टुक हर टू द चर्च टू प्रे फॉर हर एंड सिक्स मेनी पीपल दे हैव टू कैरी हर Her weight was so heavier because of that spirit, because she was possessed. So it was the weight of her body became so heavier that many persons, especially the men, they have to carry her to take there. But we believed on the word of God, which says that your body is my temple. So we believe that if it's your temple, so only God has to dwell in that. And through that word, because nothing is in vain with the Lord, each and every word of the Lord hasn't been void. Never. So it came true for her family and for her sister, and now she is really well. She is perfect in health.
Amen, amen. Praise the Lord. Amen, amen. Amen, amen.